हल्द्वानी की बात करेंगे, जहां पर विधायक सुमित हृदेश ने विधानसभा सत्र को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। सुमित हृदेश ने कहा कि यह सरकार जनता के मुद्दों पर जवाब देने से भागती है, इसीलिए विधानसभा सत्र को 2-3 दिन में समाप्त करने के लिए केवल औपचारिकता निभा रही है। उन्होंने कहा कि दर्जनों विभाग मुख्यमंत्री के पास है, लेकिन उन विभागों के प्रश्न देने के बजाय मुख्यमंत्री सदन में कुछ नहीं बोलते और विधानसभा सत्र में केवल औपचारिकता की जाती है। सुमित हृदेश ने कहा कि छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे अन्य राज्यों में 21 दिन का सत्र चलता है, लेकिन उत्तराखंड में 2 दिन ही विधानसभा का सत्र को समाप्त करना केवल औपचारिकता पूरी करना है। सरकार विपक्ष के सवालों से पूरी तरीके से किनारा कर लेती है। सुमित हृदेश का कहना है कि इस विधानसभा सत्र में विपक्ष कई ज्वलंत मुद्दे उठाएगा, साथ ही अतिक्रमण, आपदा और रेरा का मुद्दा भी सदन में जोर शोर से उठाने का काम हमारी पार्टी करेगी और सरकार को घेरने का काम करेगी। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। ये देखिए, विधानसभा सत्र की अगर आप ट्रेंड देखें 2017 से लेकर अभी तक की, 13 दिन, 14 दिन, 8 दिन, 10 दिन ऐसे सत्र चला है पूरे साल भर के अगर टोटल लिया जाए। और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इतना बड़ा राज्य है, ऐसी भौगोलिक सामाजिक परिस्थितियां हैं, कई विषय हैं, आपदा है, अतिक्रमण है, कई ऐसे ज्वलंत विषय हैं, लोगों के अपनी विधानसभाओं के विषय होते हैं। एक हमें मौका मिलता है सरकार को कटघरे में खड़ा करना, और सरकार के पास भी मौका है अपनी सफाई देने का, लेकिन 2 दिन का सत्र चला के, क्योंकि देखिए पहला दिन जो होगा वो कंडोलेंस का होगा, वो उसके बाद सत्र समाप्त हो जाता है, फिर अगले दिन शुरुआत होगी। तो एक दिन, वो 6 तारीख है जो, वो एक दिन सत्र चलेगा, 7 को जन्माष्टमी है, कहा तो 8 को भी, लेकिन सरकार चाहेगी 6 को ही समाप्त कर दे। तो ये सरकार